मैं और मेरे भाई मुफरत फरमाए जन्नत अल-फिरदौस में मकाम है, अर्श से आला मकाम अता फरमाए। एक दूसरे को इतना समझते थे और ये अंग्रेजों को बड़ा कमाल लगता था कि हम मैं इधर बैठा हुआ हूं और हाजी साहब इधर बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब बोल कह रहे हैं हम तो दोनों साथ। और इस चीज से वो बड़े मुतासर होते थे कि यार क्या कंप्यूटर फिट है, क्या चक्कर है, ये एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है और एकदम साथ बोलते हैं कि एक सेकंड का फर्क नहीं होता। और फिर वो कुछ अंदाज बयान और मेरे भाई का बार बार लौ कहना बड़ा पसंद करते थे लोग। वहां फरमाइशें आती थी, अगर हाजी साहब थोड़ी देर नहीं बोलते तो लोग फरमाइशें लिख के भेजते कि प्लीज यू से अल्लाह। रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, ये जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, ये खबर मोहम्मद हमारी, हम मुसीबत के मारे इधर इधर जाएंगे, आपके दर से कोई न खाली गया, घर से कोई न खाली गया, आपके घर से कोई न खाली गया, आपके घर से दामन को भर के सवारी गया, हो हबीबे हजी पर भी आका नजर, आका नजर हो हबीबे हजी पर भी आका नजर, वरना गुलाम फरीद और मकबूल साबरी एक बैन अल-अक़वामी शोहरत के कव्वाल तस्लीम किए जा चुके थे। अब जहां अवाम उनसे बेपना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते थे, जैसा कि 1973 में कराची के अवाम की तरफ से मरहूम रईस अमरोही ने आप दोनों भाइयों की ताजपोशी फरमाई, वहां हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1978 में आपकी खिदमात को तस्लीम करते हुए आप दोनों भाइयों को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। इसी तरह फ्रांस में चार्ल्स डिगाल अवार्ड बराए 1983, भारत में बुलबुल पाको हिंद, संगीत सम्राट और खुसरो रंग के खिताबात, बैरूनी वतन हुकूमती और गैर हुकूमती हलकों में आपके हर दिल अजीज होने की दलील बन चुके थे। अब तो ये आलम है, दुख तो बयान तो किया नहीं जाता, बड़ा
अब मैं कनखियों से देखता हूं अपने हाथ की तरफ तो मेरे भाई मुझे नजर नहीं आते हैं, तन्हाइयां नजर आती हैं। वो क्या है कि बस मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, वो रौनते तो ले गए अपनी तमाम साथ, तन्हाइयां वो सारे मेरे नाम कर गए, सारी मेरे नाम कर गए। किसी गम तना ले जो ख्वाजा पिया को तड़प कर बुलाया, सवेरे सवेरे खजाना मोहम्मद का हाथों में लेकर वहीं उनको पाया। सवेरे सवेरे खजाना मोहम्मद का हाथों में लेकर